बीजेपी को घेरने के लिए लालू का गौशस्त्र, अब बूढ़ी गाय के सहारे बीजेपी पर अटैक करेंगे लालू। आखिर लालू के बीजेपी पर हमले की नई रणनीति क्या है? 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए अलग रास्ता ढूंढा है। अपने बयानों के लिए मशहूर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय को बीजेपी के नेताओं के घर के आगे बांधने को कहा है। लालू के मुताबिक ऐसा करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि बीजेपी के लोग मवेशी की सही मायने में देखभाल करते हैं या नहीं। आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर गौ रक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए लालू ने कहा है कि वो दूध के लिए नहीं बल्कि वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता ऐसा करेंगे तो बीजेपी नेता उनकी पिटाई भी करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता बदले की कार्रवाई करने के बजाय उसे बर्दाश्त करें। दरअसल ऐसा कर लालू यादव ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी नेता गाय की सेवा के लिए सही मायने में चिंतित हैं या नहीं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को कुत्ते पालने वाले आडंबरी करार दिया है और कहा है ये लोग गौ पालकों को गौ रक्षा का उपदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव बिगुल फूंकने की तैयारी में हैं और इसीलिए वो 27 अगस्त को पटना में मेगा रैली भाजपा हटाओ देश बचाओ का आयोजन करेंगे। इस अभियान के जरिए 2019 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बिगुल फूंका जाएगा। हालांकि लालू यादव अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।